युगों युगों से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजश्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आज 15 फरवरी 2020 दिन शनिवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि शाम 4:29 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:38 से लेकर 11:06 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। अब मैं बताने जा रहा हूं कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज अपने पितृ पक्ष के किसी व्यक्ति की सहायता लेने से आपको अपने व्यापार में लाभ होगा और आज आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। आज आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के सब लोग कायल हो जाएंगे और यदि आज छात्रों का कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है या ऐसी कोई प्रतियोगिता है जिसमें वाणी का सहयोग चाहिए तो उसमें आज आप विजय प्राप्त करेंगे। आज आपके वर्क प्लेस पर आपकी सच का साथ देने की प्रवृत्ति आपको सभी लोगों की प्रशंसा का पात्र बना देगी। आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार को समय दें और उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएं। इससे आपके संबंध आपके परिवार के सदस्यों के साथ मजबूत होंगे। आज किसी को भी दान देने के लिए दिन उत्तम है और आज यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं तो इससे आपके धन के भंडारों में सदैव वृद्धि होती रहेगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है और आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से भी आपको फायदा होगा। आज आपके शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लव लाइफ के मामले में आज आपको अपने पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा और आपके संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु आपके पार्टनर का स्वास्थ्य आज खराब हो सकता है जिस कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप किसी के भी जमानती ना बने अन्यथा आप स्वयं ही परेशानियों में पड़ जाएंगे। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर मंदिर अवश्य जाएं और उसी के बाद आज के दिन की शुरुआत करें। आज धर्म कार्यों के लिए दान देने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको क्रोध अधिक आएगा और आज आपा खो देने से आपकी किसी व्यक्ति से बहुत जबरदस्त लड़ाई हो सकती है, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप संयम बनाए रखें और उग्र ना हो। व्यापार में बढ़ते लॉसेस आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आपको अभी इस बिजनेस में और टाइम और समय इन्वेस्ट करना है या आपको दूसरे बिजनेस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। इसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सलाह लें। यदि पिछले कई दिनों से आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आज उनकी तबीयत में सुधार होगा जिनसे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। आज आपको अपनी माताजी के परिवार से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
आज आपको काले और नीले वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। आज चांदी की चेन गले में धारण करना भी आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वालों, आपको अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में आ रही किसी भी अड़चनों को दूर करने के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके व्यापार के लिए बहुत ही शुभ दिन है और आज आप आम दिनों के मुकाबले कई गुना मुनाफा कमाएंगे। कस्टमर्स आज आपके बिना प्रयासों के ही आपके पास चलकर आएंगे और यदि अपने अच्छे व्यवहार से आप उन्हें अपने से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं तो इससे आपके व्यवसाय की उन्नति होना तय है। चांदी और दूध के व्यापारियों को भी आज विशेष तौर पर फायदा होगा। आज आपका अपने बिजनेस की तरफ किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा बल्कि आपको कई गुना रिटर्न्स देगा और आपके इनकम के नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आज आपके शत्रु भी आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो उनकी कोई भी योजना आज सफल नहीं होगी। आज दुर्गा माता जी की उपासना करने से और कुआरी कन्याओं की सेवा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशि फल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके लिए एकदम उत्तम रहने वाले हैं और यदि पिछले कई दिनों से आपकी वर्क प्लेस पर किसी भी सहकर्मी के साथ मतभेद चल रहा था तो वह विवाद आज सुलझ जाएगा। आज आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्रिएटिविटी आपके सहकर्मियों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र बना देगी और बॉस से भी आपको कोई बोनस या पुरस्कार मिल सकता है। परंतु आपके गृहस्थ जीवन में आज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनबन होने से आपका मूड ऑफ हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो जाता है और बेवजह के मनमुटाव के कारण आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके गृहस्थ जीवन में सदैव शांति का माहौल बना रहेगा। आज काली रंग की गाय की सेवा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशि फल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए आप जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। भाई बहनों की तरफ से आज आपको कोई विशेष लाभ प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। उनसे आज आपके संबंध भी मधुर होंगे। लव लाइफ के मामले में आज आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और छोटी से छोटी बात पर आप दोनों के बीच में नोकझोंक हो सकती है इसलिए आज आपको अपनी जुबान पर काबू रखना है और संयम से काम लेना है। आज आप कौए को दाना डालें इससे शनि देवता प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आज आप यदि पीले वस्त्र या बूंदी के लड्डू दान करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तों,
यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आपके बच्चों का स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से खराब था तो आज उनकी तबीयत में सुधार होगा, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं और भागदौड़ आज कम होंगी। आज घर चलाने के बढ़ते खर्चे और अपना गिरता हुआ बैंक बैलेंस देखकर आप चिंतित हो सकते हैं। आज आपके छोटे भाई को भी चोट फाट लगने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए उनका ध्यान रखें। आज आपको अपनी मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाग्य आज आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके बने बनाए काम भी आज बिगड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अथक प्रयासों के बाद भी आपका कमजोर भाग्य आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य चमक उठेगा और आप अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखते हैं और आज इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो आपको उसके उत्तम फल प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स भी अगर आज हायर एजुकेशन करने का सोच रहे हैं तो यह विचार आपके लिए शुभ होगा और आज आपको हायर एजुकेशन कहां से करनी है और किस फील्ड में करनी है इसकी प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी उसके लिए समय शुभ नहीं है। आज आपकी तीर्थ यात्रा में अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल भी आपको आज नहीं मिलेगा। आज आपका गृहस्थ जीवन पूर्णतः खुशहाल रहेगा और अपने पार्टनर को खुश करने के प्रयासों में आप उनका दिल जीत पाएंगे। आज आपको अवश्य ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए और साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो भी लोग अपने स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं और इस संदर्भ में अपनी फैक्ट्री डालकर उत्पादन शुरू करना चाह रहे हैं आज उनके लिए दिन शुभ है। आज उनके कार्यों में कोई भी अड़चन उत्पन्न नहीं होगी और अपनी फैक्ट्री डालने के संबंध में आपको सरकार की ओर से सभी अनुमति मिल जाएंगी और आपकी फैक्ट्री की फाइल्स भी पास हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें अड़चनें आ जाती हैं और आपका काम बीच में ही अटक जाता है और भाग्य मंदा होने से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य चमक उठेगा और कभी भी जीवन में आप कोई भी अड़चने नहीं फेस करेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके पड़ोसी ही आपके मान सम्मान को झूठी बातें फैलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप उनसे सावधान रहें। आपके ससुराल पक्ष किसी व्यक्ति की वजह से आज आपको धन हानि भी हो सकती है। यदि पिछले कई दिनों से आपके वर्क प्लेस पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो आज आपकी सभी दिक्कतें हल हो जाएंगी और यदि आपके बॉस या सहकर्मी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा था तो वह भी आज सुलझ जाएगा। व्यवसायिक लोगों को आज अपने व्यापार की प्रगति के लिए सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आज व्यवसायिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यापार की रीच बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न्स प्राप्त होंगे। आज नहाने के पानी में दही डालकर स्नान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। धनु राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है
या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके कोई भी राशि का जातक आज बड़ी सरलता से अपने भाग्य को पलट सकता है और सौभाग्यशाली बन सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर नहा धो लें और फ्रेश हो जाएं। उसके बाद आप मार्केट से 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लेकर आए। इन दोनों को आप मिला लें और उसके पश्चात इनकी रोटियां बनाएं। उसके बाद शाम के समय गायों को ये रोटियां खिलाएं। आपको ये कार्य लगातार 7 गुरुवार तक करना है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य चमक उठेगा और आप अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप जुआ, सट्टा बाजार, शेयर इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपका मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट हो जाएगा और इसलिए आज आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आज यदि आप केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं या किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपका अखंड स्वभाव भी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। आज आपको अपनी बुआ के घर से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको प्रातः काल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। खर्चा बढ़ने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज हालात कुशल मंगल रहेंगे और आपको प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बॉस से भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आज छात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक अशांति के कारण आज उनको परिश्रम का फल नहीं मिल सकेगा। मेरा छात्रों को आज सुझाव है कि आत्मविश्वास ना खोए और आज मनोरंजन के लिए खेलकूद में भाग लें, पार्क इत्यादि का भ्रमण करें जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। मेडिटेशन करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में भी वृद्धि होगी। घर या वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। छात्रों को आज पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रैक्शन के कारण आज आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शन आपके मित्रगणों की ओर से हो सकते हैं। आज आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। बिजनेस में आज आपको कोई भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। यदि आप आज तीर्थ यात्रा का जाने का विचार कर रहे हैं तो यह विचार आपके लिए अत्यंत शुभ है। शरीर पर सोना धारण करना भी आपको आज मालामाल कर सकता है। भाग्य आज आपका भरपूर साथ देगा और अटके हुए काम भी बन जाएंगे। काले कुत्ते को भोजन कराना आज आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इससे आपको केतु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर
आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।